हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और ये जो टॉपिक है काफ़ी सारी क्लासेस के अंदर रेलिवेंट है, इंडियन इकोनॉमी के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, उसी तरह जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसी तरह जो बच्चे प्लस टू कॉमर्स के हैं या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी रेलिवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी इकोनॉमिक्स के, जैसे इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, दे आर अवेलेबल। उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। देखो, एग्रीकल्चर का मतलब होता है फसलों को ग्रो करना ताकि हम उनसे अपना गुजारा कर सकें। बट मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है डैट हैज बिकम ए बिजनेस, कि हम अपने लिए तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं, साथ में मार्केट में भी उसको लेके जाते हैं। जिस तरह से इंडस्ट्री से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं तो ये भी एक तरह से बिजनेस बन गया है। और इसके अंदर अलाइड एक्टिविटी जैसे फॉरेस्ट्री, फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री भी कवर होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है व्हाट आर द फीचर्स की इंडियन एग्रीकल्चर, जो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताएँ क्या है, उसके फीचर्स क्या है। फर्स्ट है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर जो है मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ये लोगों का जो मेन किता है या धंधा है हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर है। इन 2019 के अंदर 42.6% ऑफ द वर्क फोर्स इन इंडिया वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। अदर हाफ जो थी वो उसके अंदर थी इंडस्ट्री एंड टर्शरी सेक्टर। और एग्रीकल्चर जो हमारा जीडीपी के अंदर 15.4 जो है शेयर करता है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर बैकवर्ड टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जो किसान है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनको पता नहीं है कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स को कैसे यूज करके वो एग्रीकल्चर की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि अगर लो प्रोडक्टिविटी है तो जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी लो होगी, और जिसकी वजह से वो अगेन मॉडर्न टेक्निक्स यूज नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरे देशों के साथ, जैसे राइस है तो चाइना की 6.8 है, वियतनाम की 5.8 है और वर्ल्ड एवरेज है 4.5, और इंडिया की जस्ट इट इज 3.6। तो हमारी राइस के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन दैट इज़ वेरी लेस, और उसी तरह अगर हम वर्ल्ड एवरेज देखें तो उससे भी काफ़ी कम है। उसी तरह जब हम वीट की वर्ल्ड एवरेज 3.3 है लेकिन हमारी 3.1 है, चाइना की 6.5 है, यूके की 9 है, तो वहाँ पर भी हमारी कम है। उसी तरह मक्की के अंदर क्या है, इंडिया की 2.6 है और एवरेज 5.6 है, चाइना की 5.8 है और यूएसए की 10.7 है। देखो, जब हमारी प्रोडक्टिविटी लो है तो हमारी इनकम भी लो होती है, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर बैकवर्ड होती है। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हमारी जो प्रोडक्शन है डेट इज़ ऑल्सो वेरी लो। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है डेट इज़ लो इन इंडिया। इंडिया जो है 27 क्विंटल वीट पर हेक्टेयर प्रोड्यूस करता है, फ्रांस जो है 71.2 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू अदर नेशन, एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड नेशन, दे आर वेरी लेस। और एवरेज एनुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एग्रीकल्चर लेबर इज $162 इंडिया, जबकि नॉर्वे के अंदर ये 973 है और $2408 जो है यूएसए के अंदर है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है 75% जो हमारी कल्टीवेटेड एरिया है उसको हम फूड क्रॉप्स ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, राइस बाजरा, और 25% जो है कमर्शियल क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी इंडिकेट करते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है, एग्रीकल्चर है डैट इज़ बैकवर्ड। स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग के जो किसान हैं उनके पास जो जमीन है वो बहुत स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग है, जिसकी वजह से वो जो है मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज नहीं कर पाते। ड्यू टू लार्ज स्केल सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग भी, बहुत लोगों की जो लैंड होल्डिंग है बहुत थोड़ी है। एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग अगर एवरेज बेसिस पे देखें तो 2.3 हेक्टेयर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये 1,993 है, यूएसए के अंदर 158 है। डिपेंडेंस ऑन मानसून, देखो जो हमारी एग्रीकल्चर है किसके अंदर ज़्यादा इरीगेशन चाहिए होती है,
वो कम है तो मॉनसून के ऊपर ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है। कई बार रेनफॉल बहुत अच्छी हो जाती है तो क्रॉप बहुत अच्छी हो जाती है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सेस से ज्यादा हो जाती है या सूखा पड़ जाता है। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया मेनली डिपेंड्स ऑन मॉनसून। इफ मॉनसून इज गुड द प्रोडक्शन विल बी मोर, अगर मॉनसून अच्छा नहीं है तो हमारी फसलें भी फेल हो जाएंगी। कई बार फ्लड आ जाता है, कई बार सूखा आ जाता है, और इरिगेशन फैसिलिटी जो होती है वो सफिशिएंट नहीं होती, और एग्रीकल्चर को हमारा मॉनसून के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, देखो जो डिस्गाइज्ड मतलब का होता है कि छिपी हुई बेरोजगारी, जैसे हमें लगता है कि सब लोग काम कर रहे हैं बट एक्चुअल में वो बेरोजगार होते हैं। जैसे एक फैमिली है तो उसमें 7 मेंबर है, बट खेती बाड़ी को चलाने के लिए हमें 2 ही चाहिए, वो 7ों के 7ों खेती बाड़ी के अंदर काम करेंगे तो 5 जो है वो बेरोजगार है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इन 5 लोगों को हम यहाँ से विड्रॉ करते तो आउटपुट जो है उसमें कमी नहीं आएगी। और उसी तरह लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी यूज नहीं किए जाते, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो है उनको प्रॉपरली, पेस्टिसाइड्स को प्रॉपरली यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो फार्मर कम्युनिटी है वो काफी पुअर है, अनएजुकेटेड है, उसको प्रॉपर वे भी नहीं आता, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी लो है और वो बैकवर्ड टेक्निक्स यूज करते हैं। और उसी तरह क्योंकि स्मॉल होल्डिंग है, प्रोडक्टिविटी लो है, प्रोडक्शन लो है, जिसकी वजह से किसानों की इनकम बड़ी लो होती है, जिसकी वजह से वो जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उनको नहीं अप्लाई कर सकता, जो बैकवर्ड टेक्निक्स हैं उनको यूज करता है, तो जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी और लो हो जाती है। और हमारी जो इंडिया की एग्रीकल्चर है इसके अंदर सीजनल पैटर्न है, जैसे खरीफ सीजन है तो ये जो है मॉनसून जब शुरू होता है तभी शुरू हो जाता है, और बिगिनिंग ऑफ द विंटर के अंदर कंटिन्यू करता है, मतलब वहां तक इसका एंड होता है। मेजर क्रॉप जो है राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, कॉटन, सीसम, ग्राउंड नट एंड पल्सेस, मूंग एंड उड़द जो है उस दौरान जो है की जाती है। रबी सीजन जो है विंटर की बिगिनिंग में शुरू हो जाता है, और गर्मियां जब शुरू होती है तब खत्म होता है। मोचर क्रॉप जो है बीज, बार्ले, ज्वार, ग्राम, ऑलसीज सच एज लिंसेड, रेप एंड मस्टर्ड, ये जो है समर क्रॉपिंग सीजन है, जिसके अंदर राइस, मेज, ग्राउंड नट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर ग्रोन, और कुछ दालें भी जो है आप ग्रो करते हैं।